ग्रेटर नोएडा के जेवर के दयानंदपुर गांव में भतीजे ने काटी ताई की चोटी। अफवाह के बाद जुटी लोगों की भीड़, सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। जांच के बाद पुलिस ने घटना को अफवाह बताया। सोते समय मजाक में भतीजे ने काटी थी ताई की चोटी। मीडिया में देखने के शौक के चलते घटना को दिया अंजाम। गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके के एक गांव सुराना में रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता है। इस त्योहार को ना मनाने के पीछे की वजह, गांव के एक बुजुर्ग ने कहा कि 12वीं सदी में मोहम्मद गौरी द्वारा कई बार इस गांव पर आक्रमण किया, मगर जैसे ही मोहम्मद की सेना गांव में आती तो वो आधी हो जाती थी। इसके पीछे वजह थी, गांव के अंदर ही एक देव रहते थे जो कि गांव की रक्षा किया करते थे, लेकिन गांव के ही एक व्यक्ति ने विश्वघात करके मोहम्मद गौरी को बताया कि गांव के देव के गांव के बाहर जाने पर ही गांव पर विजय पाई जा सकती है। और जब एक दिन पूर्णिमा वाले दिन गंगा स्नान को देव गांव से बाहर गए तो मोहम्मद गौरी ने पूरे गांव को हाथी के पैरों तले बड़ी ही बेरहमी से कुचल दिया। दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के पालम इलाके में बीती बुधवार एक रईस जादी ने अपनी i20 कार से एक 2.5 साल के मासूम को कुचल दिया, जिसका लाइव CCTV वीडियो सामने आया है। जिसके बाद लाचार माँ बाप बच्चे को लेकर अस्पताल पहुँचे, जहाँ अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद बच्चे को मृत घोषित कर दिया। वहीं दुर्घटना के आसपास के लोगों ने कार को चला रही एक 26 साल की लड़की को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने बाद में आरोपी लड़की को जमानत पर छोड़ भी दिया। पुलिस CCTV कैमरे में कैद वारदात की फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। साथ ही घर वालों का पुलिस की कारगुजारी पर संदेह बना हुआ है। दिल्ली में उत्तम नगर विपिन गार्डन इलाके में एक व्यवसायी के घर में लाखों रुपए कैश और गोल्ड की ज्वेलरी की चोरी होने का मामला सामने आया है। व्यवसायी का आरोप है कि ये चोरी किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं के घर में रहने वाले किराएदार परिवार ने की है। बाहरी दिल्ली के अमन विहार में आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद पर कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया। हमले में निगम पार्षद तो बाल बाल बच गए, लेकिन उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। हमलावर भी एक गाड़ी पर ही सवार थे। अमन विहार थाना पुलिस ने दो युवकों को हिरासत में ले लिया है। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए दिल्ली में लाल किले को अभेद किले में तब्दील कर दिया गया है। लाल किले के चारों ओर भारी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है।